इकोनॉमिक हो जाती है ना, तो उसको हमें कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए वैसे तो हम मेडिकल वो यूज़ करते हैं। जब सारी चीज़ें हमारी फेल हो जाएं, फिर हम ना सुचर्स के जरिए, जब भी हमारे पास कोई लूज सी चीज़ होती है तो हम उसको बांध देते हैं ना, ताकि वो इधर उधर ना फैले। तो उस वक्त यूट्रस वैसे इतनी वो हुई होती है बॉगी और ऐसे सॉफ्ट सी कि वो फैलती जाती है, ठीक है। उसको हमने ऐसी चीज़ें बांधना है कि वो एक जगह प्लेस्ड और कॉन्ट्रैक्टेड रहे, फिर हम बीलिंग सुचर यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, ये यूट्रस होता है ना, उसके आगे से एक स्टिच ऐसे नीडल्स को होल्ड किए थे, ये फॉर एग्जांपल इनसीएन लाइन है ना, ठीक है। इसके लोअर सेगमेंट ये इनसीएन लाइन है, इससे 3 सेंटीमीटर बिलो, ठीक है, स्टिच लिया और पीछे से गुजार दिया, ठीक है। उसके बाद फिर पीछे से यहाँ से इधर से दोबारा स्टिच लेके गुजार के और क्या कहते हैं इसके ऊपर से फंडस के लेके आना होता है। नहीं सॉरी मैं गलत, दूसरी दो एक होता है मॉडिफाइड हेमन सुचर, वालेकुम सलाम, और एक हेमन सुचर होता है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, ये इनसीएन लाइन है 3 सेंटीमीटर बिलो द लिया और इसके ऊपर से पहले निकाला, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर निकाल के जब ये यहाँ से आ जाएगा ऐसे, अच्छा ये फॉर एग्जांपल निकाल लिया, तो अब हमारे पास ऐसे थ्रेड इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इसको ऊपर से गुजारना है, ऊपर से गुजार के और ये इसकी जो बैक साइड है यहाँ पे एक ऐसे इन्वर्टेड वी शेप यूट्रो सेक्रल लिगामेंट होता है ना, ठीक है, वहाँ उस साइड की पोजीशन पे इसको यहाँ से ऐसे निकाला। ये तो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, हमने बड़ा चंक लेना है, लेके ऐसे निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक थ्रेड इधर से ऊपर से आया हुआ है और ये अब दो हमारे पास लिम्स बन जाएगी। अब इसको यहाँ से गुजार के फिर हमने इधर से इधर गुजारना होता है और इसको कंप्रेस करना होता है, ऐसे जो ऐसे फैला हुआ है ना उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कराना है, फिर हम आगे से टाई करते हैं। ये बिलिंग सुचर होता है। एक होता है यूट्राइन टेम्पोनाड, वो बैलून टेम्पोनाड, उसमें क्या होता है, हमने बेसिक प्रिंसिपल क्या है हीमोस्टेसिस का, हीमोस्टेसिस कहीं भी हमने सिक्योर करनी है बॉडी में, कंप्रेशन वेरी गुड, कहीं भी लिम में अगर ब्लीडिंग हो रही होती है तो फौरन क्या होता है, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो कहते हैं टॉनिक के कर दें ऊपर से, जो लिम की प्रॉक्सिमल साइड है मतलब नीचे फुट पे हो रही है तो हम लेग पे कर देंगे, थाई पे है तो इधर कर देंगे, तो आपने बेसिकली टॉनिक के करना होता है। तो सेम वही यूट्राइन टेम्पोनाड का भी है कि अगर पीपीएच हो रहा है तो वेसल्स कहाँ से हैं, उसके बेड से करी होती है ना, यहाँ पे सारे साइनसेस ओपन होते हैं जो प्लेसेंटा से सेपरेट हुए हैं, तो हमने वहाँ कंप्रेस करना है, या तो वो यूट्राइन पैकिंग के थ्रू प्रेस कर दें, कोई कपड़ा रखे तो प्रेस हो जाए, या फिर हम बैलून टेम्पोनाड लेते हैं जो उसको क्या करते हैं फॉलिस के ऊपर कॉन्डम चढ़ा के उसमें पानी फिल करके अंदर प्लेस कर देते हैं और पानी फिल कर देते हैं, उसे गुब्बारा ऊपर से प्रेस कर देते हैं, जिससे 24 आवर्स के लिए अंदर रखेंगे और वो जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सही है, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।